पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में नफरत और आतंक की सियासत करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक हफ्ते में अलगाववादियों पर दूसरा बड़ा प्रहार किया। घाटी में हिंसा और नफरत का बीज बोने वाले अलगाववादियों पर सुरक्षा का संकट आ गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने हुर्रियत गुट के 18 अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली, जबकि कई अलगाववादियों की सुरक्षा ना के बराबर यानी कम कर दी है। जम्मू कश्मीर में 155 नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी हटाई गई है। इनकी सुरक्षा में 100 गाड़ियां और 1000 पुलिसकर्मी लगे हुए थे। जिन अलगाववादियों की सुरक्षा हटाई गई या कम की गई है, उनमें सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक, आगा सैयद मूसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, सलीम गिलानी, शाहिदुल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसद्दिक भट्ट शामिल है। जम्मू कश्मीर के जिन 155 नेताओं की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें पूर्व आईएस शाह फैजल भी शामिल है। अलगाववादियों और नेताओं की सुरक्षा हटाने से घाटी में पुलिस को और मजबूती मिलेगी। इससे पहले 4 अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने का फैसला किया गया था।